दोस्तों, आप सभी टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड अभिनेता हर्षा चोपड़ा को तो काफी अच्छे से जानते ही होंगे, जिन्होंने कई सारे सीरियल्स में एक्टिंग कर लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। इसके साथ ही उनमें से कुछ ऐसे सीरियल भी हैं जिन्होंने इन्हें पॉपुलर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के किन सीरियलों ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री का एक फेमस अभिनेता बनाया है? जी हाँ, हर्षा चोपड़ा अपनी एक्टिंग के बदौलत तो फेमस हुए ही है, साथ ही इन्हें कुछ सीरियलों ने भी फेमस करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो आखिरकार वो चार कौन से सीरियल हैं जिसने इन्हें फेमस अभिनेता बनाया है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार सीरियलों के बारे में बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो सीरियल कौन से हैं जिन्होंने हर्षा चोपड़ा को टीवी इंडस्ट्री का एक फेमस अभिनेता बनाया है। नंबर वन, दिल से दी दुआ सौभाग्यवती। इस लिस्ट की पहली में दिल से दुआ सौभाग्यवती भव शो का नाम शुमार है, जिसे लाइफ ओके पर टेलीकास्ट किया गया था, जिसमें हर्षा चोपड़ा और श्रीति झा अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए थे और इस सीरियल ने हर्षा चोपड़ा को टीवी इंडस्ट्री का फेमस अभिनेता बनाया। जी हाँ, क्योंकि इस सीरियल में एक ऐसी पत्नी की कहानी पेश की गई थी जो अपने पति के अत्याचार सहती है, तभी हर्षा चोपड़ा उसकी मदद करते हैं और बताते हैं कि औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें उतना ही तवज्जो देना चाहिए जितना हम एक आदमी को देते हैं, और इसके इसी अच्छे बिहेवियर वाले किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और ये इस तरह से इस सीरियल में अच्छी एक्टिंग करने में फेमस हो गए थे। नंबर टू, तेरे लिए। चलिए बात करें सीरियल तेरे लिए के बारे में, तो इस सीरियल ने भी अभिनेता हर्षा चोपड़ा को एक फेमस अभिनेता बना दिया है। जी हाँ, इस सीरियल ने मुख्य अभिनेता के तौर पर हर्षा चोपड़ा को अनुराग गांगुली का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जहाँ इन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग के साथ साथ डैशिंग लुक से लाखों लड़कियों के दिलों को घायल कर दिया था और सुर्खियों की वजह बन गए थे, और इसी तरह से इस सीरियल ने भी इन्हें एक फेमस अभिनेता बना दिया था। नंबर थ्री, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अब तक कई सारे कलाकार आए और चले भी गए, और उन्हीं में से एक है हर्षा चोपड़ा, जो फिलहाल इस सीरियल में अभिमन्यु की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ये सीरियल तो पहले से ही टीआरपी के मामले में टॉप लिस्टेड था, और इसी तरह से टॉप लिस्टेड सीरियल में अपनी अहम भूमिका निभाकर हर्षा चोपड़ा भी टॉप लिस्टेड बन चुके हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंबर फोर, बेपनाह। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बेपनाह सीरियल का नाम शुमार है, जिसमें हर्षा चोपड़ा के अपोजिट जेनिफर विंगेट शानदार अभिनय प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। इस सीरियल में इनकी और जेनिफर विंगेट की लव केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, तभी तो ये दोनों इस सीरियल के साथ साथ खुद भी फेमस हो गए थे, जिसके लिए हर्षा चोपड़ा को आज भी याद किया जाता है। तो इस तरह से बेपनाह सीरियल ने भी हर्षा चोपड़ा एक फेमस अभिनेता बनाया है। तो दोस्तों, आप हर्षा चोपड़ा के इन चार सीरियल में से किस सीरियल को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।